नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि इश्क और मुश्क में सब कुछ जायज होते हैं, और इस मुहावरे का वास्तविक जीवन में यदि कोई सबसे बेहतर इस्तेमाल करता है तो वो राजनेता। झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की कला कोई इनसे सीखे। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के देश भर में जो बवाल हो रहा है, विरोध करने का हक सबको है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हक सबको है, क्योंकि ये अधिकार संविधान से मिला हुआ है। लेकिन इसकी आड़ में अपनी राजनीति चमकाने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करने का हक किसी को नहीं है। जामिया मिलिया के अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। किसी में दिखाया जा रहा है कि पुलिस जो है केन में पेट्रोल लेकर के बस में आग लगाने जा रही है, जबकि वो उस बस में आग लगी ही नहीं थी। कहीं दिखाया जा रहा है कि छात्र जो है जाति कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से यानी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से बात कही जा रही है कि वो जो हिंसा कर रहे हैं हमारे छात्र है ही नहीं। आप सोचिए कि कैंपस में कोई आकर के हिंसा करे, पब्लिक प्रॉपर्टी बस गाड़ियों को आग लगाए, और यूनिवर्सिटी प्रशासन कहे कि ये तो हमारे लोग हैं ही नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ लोग ये कैसे पहुँचे? आप इस वीडियो को देखिए जिसमें कि ये लोग कौन है, खुद ही तय कीजिए, जो सीधे सीधे पब्लिक प्रॉपर्टी को कितना हिंसक होकर के नुकसान पहुंचा रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार की गाड़ी को नहीं छोड़ना है। क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए ध्यान से वीडियो को। आप खुद तय कीजिए कि ये लोग कौन हैं, इनको कैंपस में आने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? यदि कैंपस के का ये सीन नहीं है, बाहर का है, तो फिर ये लोग जो कर रहे हैं क्या उसका समर्थन किया जा सकता है क्या? या इन पे यदि पुलिस लाठी चार्ज करे तो उसकी निंदा की जानी चाहिए क्या? पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त किसी को कैसे मिल सकती है? आप तय कीजिए और उसके बाद कमेंट कीजिए कि तरह तरह के वीडियो जो है वायरल किए जा रहे हैं, कुछ काट छाँट करके, जिसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको विलेन बनाने की कोशिश हो रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रहा है और अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहा है। लेकिन इस वोट बैंक की राजनीति में हमारे और आपके टैक्स के पैसे से जो पब्लिक प्रॉपर्टी बनी हुई है उसको नुकसान पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।